आज है 23 सितंबर सितंबर हाँ, और रुद्रांश का है हैप्पी बर्थडे। यस पापा, नो पापा। ये पापड़ है, इनके पतोड़ भी बनते हैं। पकोड़ा भी बनते, पकोड़ा भी बनते। पकोड़ा बना रहे हैं हम लोग। खरबूज के पत्ते, खरबूज को और सीताफल, सीताफल भी कहते हैं, कद्दू भी कहते हैं। हाँ। कद्दू के छोटे छोटे पत्ते की पकौड़ी बनती है, बहुत अच्छे होते हैं। बड़े पत्ते करकरे रहते हैं, करकरे ये मतलब? मुलाम है ना, मुलाम। ये पापड़ के पत्ते हैं, अरबी के। अच्छा हाँ। अरे मीठे करेले दिखाना, उनके पत्ते हैं ये मीठे करेले। अच्छा। के और ये वाले, ये पांगर बोलते हैं इसलिए। पांगर, पांगर क्या होता है? पांगर ये बहुत अच्छी खुशबू आती है इसकी। इसके तुड़का भी मारते हैं कड़ी में, दाल में, पकोड़े भी इसके बहुत अच्छे बनते हैं। तो अभी हम इन सब्जियों के पत्तों के पकोड़े बनाएंगे। हाँ, अरे सीताफल के पत्ते भी हैं थोड़े। अच्छा अच्छा। तो ये हमारे पास है प्याज, गांव का प्याज, और ये आलू, ये मैं बैजरों से लेके आया था। तो हम बनाएंगे इनके भी पकोड़े। पकोड़े तो ये हम बना रहे हैं पकोड़े। बहुत देर बाद मिक्स बैच। रुद्रांश के लिए मैं अपनी पहाड़ों की मार्केट से ड्रेस लाया था, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं रुद्रांश को पहनाऊंगा फिर। वो ये है पैंट और ये है टी शर्ट। सो मुझे ये सबसे बेस्ट मिला, बाकी कलर सही नहीं थे वहाँ पर। यस यस पकोड़ों के साथ अगर चटनी ना हो तो फिर क्या मजा। तो चटनी के लिए मुझे कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। तो हमारे पास है हरा हरा पुदीना हमारा पुदीना तैयार हो गया, और पुदीने के बाद है मिर्च की बारी। तो चलो मिर्च भी शुरू करते हैं। सो क्या बोलूं, मिर्च बोलन बल अगर बल मीज नहीं छू तो बल सब कुछ कम। तो चटनी में मिर्च होना जरूरी छू। तो चलो वैसे तो हम चटनी मिक्सी में भी पीस रहे हैं, लेकिन रुद्रांश के पापा को सिलबट्टे की चटनी बहुत पसंद है। बिल्कुल सही बोला तुमने। तो हम सिलबट्टे में भी पीसेंगे आलू चटनी। शुरू करते हैं। और ये है पुदीना, लाल टमाटर और हरी मिर्ची, और ये है भुनी हुई मूंगफली, और इसमें जीरा भी है भुना हुआ, बाकी मसाले। लाल मिर्ची मत डालना क्योंकि हरी मिर्ची है। तू दिखा दे जनी जो नली, तू दिखा दे जनी जो नली, सची तेरा सौ जब हुंदी छुई रूपा की पहली, तेरा नौव तेरा ओ तेरा रूप देखी की लोग जली गए ना, बोलिया बनी गए ना, लोग जली गए ना, बोलिया। इसमें मैं थोड़ा पानी डाल दूं।
प्याज और आलू की पकौड़ी। तो ये हम बना रहे हैं मिर्ची के पकौड़े, तो इसके लिए मिर्च के कैसे चीरा पीस करते हैं ताकि उसके अंदर मसाला चले जाए। अच्छा, अरे मेरे बाबा केक को कबा बनो कौन बनो इसका तो हाथ लगया छी और पकौड़े मिला सबसे बड़ी चीज नहीं घर के डिश के बराबर तो कुछ है भी नहीं। डिश पकौड़े केक वे क्या है, केक में तो क्या है, क्या रखा है उसमें? कुछ नहीं, अंडे वंडे भी मिक्स होते हैं और फलानी चीज होती है। ये तो अपने घर का है। अच्छा। और घर से उगाए हुए हुए पकौड़ों के बराबर तो केक कभी जिंदगी में हो भी नहीं सकता है। मेरी मम्मी जो है यहाँ पर आप देख सकते हो बेसन जो है उसको अच्छी तरीके से मम्मी ने मिक्स कर दिया है और मम्मी बेसन जैसी अभी बिल्कुल येलो येलो हो रखी है। इतनी पीली क्यों हुई आज? नाती का बर्थडे है। वो जितने भी सितंबर में जो लोग पैदा हुए उनको क्या बोलना चाहोगी? उनको मैं बहुत प्यार देती हूँ और खुश रहे, सदा सुखी रहे, सभी खुश रहे ना, सभी खुश, सभी खुश। उसकी माँ भी, उसके पापा भी, भाई बहन, दादी दादा सब खुश रहे। हाँ। सबको भगवान ऐसा दिए। यस, वाह, ये हो चुका मम्मी? हाँ। और इसमें क्या क्या मिलाया है वैसे? इसमें मिलाया मिर्ची और हल्दी, अजवाइन और मिर्च, हरी मिर्च। और बाकी और चीजें मिला सकते हैं बट हमारे पास यही चीजें थी अभी, बस मिला है। अब ये जो पत्ते काट रखे हैं उसके साथ सब मिक्स करके बनाएंगे। तो ये पेस्ट जब हो चुका है तो ये कैसा दिखता होने का, मतलब जैसे ये इस तरीके से इसके देखो ये टूट नहीं रहा ना, टूट नहीं रहा। हाँ, ऐसे दिखाना करना, वो लाप आ रहे ना देखो। अरे वाह, देखो पूरा बन गया, फेंक दिया मैंने पूरा। अच्छा अच्छा, तो बढ़िया पकौड़े बनेंगे। बढ़िया, सबको मेरी तरफ से प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद, सदा सुखी रहे। यस। हाँ दादी, क्या करना चाहते? तुम 14 दिन होगी, 14 दिन हो गए, 14 दिन हो गए राम भाई हैं? आपने क्वारंटीन करा 14 दिन? हाँ। पक्का हाथ लगा लो? अरे भाई ना बटे तो नहीं बटे। अच्छा, तो मतलब कोरोना नहीं है? नहीं। तो कितने दिन रहे आप बताओ? आप 7 दिन। 7 दिन। तो आज रुद्रांश का बर्थडे है। अच्छा, पकौड़ा खाए का जया? अच्छा अच्छा, है ना, पकौड़ा बढ़िया लग दी। पहले अच्छा के का पकौड़ा बढ़िया लग दी तुम थी ये का बनेला? अच्छा, तो भूखा पकौड़े भी खाए देता। भांग भांगा पकौड़ा? दादी को मैंने बोला कि पकोड़े खाओगे, दादी ने बोला मुझे पकोड़े बहुत पसंद है, मतलब खाऊंगी। तो मैंने कहा कि दादी भांग के पकोड़े, तो दादी ने बिल्कुल कान में हाथ लगा दिए। तो भांग के पकोड़े से आपको डर क्यों लगा? नहीं खाना, हम भांग के पकोड़े नहीं खाते। क्यों? तो खा। क्यों? अरे ये लगाना था सरगोनिया की तो। हाँ। अच्छा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बना सा तुम। थैंक यू। आइए बताओ भांग के पकोड़े से डर क्यों लग रहा है? आइए ना पकोड़े बनाना सा तुम। पहले बताओ भांग के पकोड़े से डर क्यों लग रहा है? हमने खाना पकोड़ा क्यों भांग? हम मतलब सुन रहे पकौड़े बनाना था, भांग के पकोड़े बना रहे हैं, घी भी लगाना था। हम आज भांग के पकोड़े बना रहे हैं, तुम खा लिया, हमने खाना। आ जाओ आ जाओ, पकौड़े बढ़िया वाले भी है, आलू प्याज के भी है और उसके भी है, खरबूज के पत्तों के। हाँ ठीक है, आ जाओ जी, पापड़ के भी है, जल्दी आ जाओ। अरे ये मिक्स भी कर, मिक्स करो उसमें डालो। तो ये आलू, आलू और पत्ते, ये राई, प्याज, हरी मिर्च और इसमें बेसन के साथ मिक्स, ये ठीक है साहब, मिक्स हो गया ये। अब मिक्स हो गया, इसमें हरी मिर्च भी है, बढ़िया स्वाद के लिए, स्वाद के लिए। हाँ ये है मिक्स। हाँ, अब इसमें डालेंगे साहब ऐसे,
ये ऐसे बन रहे साहब, ये ऐसे गर्मा गर्म पकौड़े बन रहे हैं भाई साहब, फर्स्ट क्लास मिक्स पकौड़े हैं ये पड़े। कहाँ से बोल रहे आप साहब? पकौड़े बन रहे हैं करारे बिल्कुल। स्माइल प्लीज। तो मम्मी ये कहाँ रखने जा रही सबसे पहले? पितरों के लिए। पितरों के लिए, देवताओं के लिए। अच्छा, तो ये होता है यहाँ पर जहाँ पर चूल्हा होता है ना, तो ये हमारे सबसे पहले पितरों के लिए। सबसे पहले हमारे पितर से भाई। अच्छा, दिल से मानता हूँ भाई। तो जब भी कोई नई चीज बनती है ऐसे त्योहार में बनती है, हम पहले यहाँ पर रखते हैं जहाँ पर हम खाना बनाते हैं चूल्हा ने। अच्छा, पकौड़े की तैयारी हो रही है, बच्चे लोग भी आ चुके हैं। हैप्पी बर्थडे। मेरा बर्थडे है क्या? तेरे लिए तो हैप्पी बर्थडे। क्या आ गया मुझे, देखो वो भी मजा आ रहा है। बड़ा ये हमारी मूल संस्कृति है। अच्छा। भूड़े पकोड़े जो है ना, ये हमारी मूल संस्कृति है। अच्छा। इसको सबसे पहले वहाँ रखना है चूल्हे में, रख दिया बाद मजे आनंद फिर पितरों को चढ़ा दिया। बात अभी मुझे गुरुजी ने बोला है और मम्मी ने बोला है कि तैड़ू के पत्तों के पकोड़े बहुत ही अच्छे बनते हैं। अब मुझे बिल्कुल नहीं पता तैड़ू को क्या बोलते हैं हिंदी में और अदर लैंग्वेज में। मैं आपको दिखाता हूँ तैड़ू के पत्ते कैसे दिखते हैं, उसके पकोड़े बहुत ही अच्छे होते हैं। तो राशि भी यहाँ पर है। तैड़ू के पत्ते मिल गए? हाँ, दादी जा रखी है लाने के लिए। कैसे होते हैं तैड़ू के पत्ते? जैसे उसके पत्ते होते हैं अरबी के। अच्छा, हाँ। और कैसे होते हैं पकोड़े उसके? बहुत टेस्टी। कहाँ है दादी? दादी उधर जा रखी है, यहाँ से दिख भी नहीं रही। देखो दादी आ गई तैड़ू के पत्ते ला करके। अरे मुझे अरबी के पत्ते तो नहीं लग रहे दिखने में। अरबी पता चाहिए? हाँ अरबी। तो, अरे आ तो जाओ, गिरना मत। परदेश में अरबी बोलते हैं? तो जो मम्मी ने तोड़े थे पापड़, उसके अंदर भी तो अरबी थी जड़ में। वो तो गडेरी को अरबी, ये तो हैं पाव वही। अच्छा, ये दूसरे टाइप की अरबी है। हाँ। दिखाना। तैड़ू बोलते हैं। चलो तैड़ू से काम चला लेंगे। तो ये तैड़ू के पत्ते हैं, आप देख लो। और इसके पकौड़े होते हैं बड़े। हाँ। कैसे होते पकौड़े? अच्छे। तो ये रहता है डुगे, इसके पकोड़े जबरदस्त होते हैं। बहुत सबसे बेस्ट पकोड़े इसी के होते हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। तो ये बताओ, ये इसके अंदर अरबी होता है क्या जड़ में? हाँ, सेम अरबी का वो होता है, जैसे अरबी निकलती है। हार्ट के लिए भी बहुत, बिल्कुल जमीन के अंदर इसको खोदना पड़ता है, सब्बल से भी खोदना पड़ता है। इसको आप प्रतिदिन इस्तेमाल करें तो आपके हार्ट की ब्लॉकेज जो है वो समाप्त हो जाती है। तो ये इसको तैड़ू बोलते हैं। चलो ये तो हमको पता है, बट जो लोग तैड़ू इसका नाम नहीं जानते, समकक्ष अरबी। अच्छा, जो है ना उसी के उसी की प्रजाति है ये। जैसे अरबी जिमीकंद वगैरह वगैरह होते हैं, उसी की प्रजाति है। अच्छा। लेकिन उससे सबसे बेस्ट है। ठीक है। और चाय भी आ गई है आप लोगों के लिए, चार कप आ चुके। कैसा के पत्ते? ये यार हद है यार, इतना आपने क्यों फोड़ दिया यार ये? मैं हिला रहा था। सब टॉपी भी निकल गई। दादी नमस्ते। ये है पकौड़े का मजा। ये बन रहे धनाधन साहब, ये बन रहे ये तैड़ू के पकोड़े, तैड़ू के प्याज के आलू के कद्दू के मतलब क्या बोलते हैं सीताफल के पत्ते, प्याज इसमें ऐसा हींग है और जीरा है, हरी मिर्च है, अजवाइन है और नमक है, मिर्च है, हल्दी है और बहुत सारा प्यार है, बहुत सारा
प्यार। तो कैसा लग रहा है ये बर्थडे? क्या बताए, ऐसा लग रहा है जैसे हम बिल्कुल 18वीं सदी में। अरे ओरिजिनल ओरिजिनल मनु से मैं ये बोल रहा हूँ। मनु, पहली बार बिना केक के बर्थडे मनाया जा रहा है गांव में, तो कैसा लग रहा है? अच्छा ही लग रहा है। बिना केक का है? बिना केक का है तो क्या हुआ, बच्चे तो है ना वैसे भी। ओ क्या बात है। और पकोड़े? पकोड़े भी अच्छे होते हैं। केक से ना? केक से बेस्ट। दिन रखने के लिए तो नहीं बोल रही, केक खाने का मन तो नहीं कर रहा है? मन करना से पकोड़े कैसे लगते हैं? अच्छे अच्छे, घर पे भी बनते हैं। क्या बात है। किस चीज के पकोड़े पसंद है? आलू के और मिर्ची के। तुमको किस चीज के पकोड़े पसंद है? आलू के और मिर्ची के। और तुमको पकोड़े किस चीज के पसंद है? आलू और मिर्ची। अरे तुमको आलू और प्याज। और तुमको किस चीज के पकोड़े पसंद है? आलू और प्याज। प्याज, क्या बात है। तो आज केक नहीं है, तो नाराज तो नहीं होंगे ना तुम लोग? तो जोर से बोलो रुद्रांश को हैप्पी बर्थडे। चलो जा रहे ये बन रहा है पकोड़ों का केक। ये है पकोड़े और ये है चटनी, ये जो पुदीने की और मिर्ची की जो चटनी थी, और बिल्कुल ही डिफरेंट केक। सो बच्चों तैयार हो? यस सर। अब किसके सिर में रखो? तुम सबको करना है हैप्पी बर्थडे जैसे ही करेगा। सुदास फूक मारो। अरे अरे भाई पकौड़े मत गिरा देना। तो जोर से बोला हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे रुद्रांश, हैप्पी बर्थडे रुद्रांश, हैप्पी बर्थडे रुद्रांश। भाई मैं भी जाऊं? हाँ बोलो, जा बोलो बोलो। हैप्पी बर्थडे रुद्रांश। बड़ा सा बड़ा सा। आ जा दादी, पकौड़ों का केक है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखा दादी बर्थडे है, फोन यूज कर रही है। हाँ अब बताना सीने पान तरह बैठा जाओ। बताओ अच्छी बहुत अच्छी बहुत बढ़िया। कैसे हो रहा है? बहुत मस्त। कैसा हो रहा है? बहुत बढ़िया। अब पकौड़ी बनाने वालों को कुछ बोलना चाहोगे? उनके लिए यही कहेंगे हम कि आप बहुत शानदार टेस्टी पकौड़ी बना रहे हैं। हाँ। लेकिन आप बिल्कुल इसको न लें। अब बताओ कैसा हो रहा है? अच्छा। वो बोल रहे सबसे अच्छी पार्टी है। कौन? अच्छा अब जाते जाते हैप्पी बर्थडे बोल के जाना। और कैसी कैसी पार्टी थी? दादी अभी मर्चों के पकौड़े भी खाने हैं। अभी खाई कहाँ मैंने अभी। अब वो केक पकौड़ा चाहिए। आपने खाए नहीं? नहीं सबसे ज्यादा ना आप दोनों ही खा रहे हो। बहुत टेस्टी हो रहे हैं। दादी मर्चो पकोड़ा बहुत तेज लाल है। मर्च ज्यादा मर्ची हो रही है? मसीना भी है। अच्छा लेकिन टेस्टी हो रही है।
टेस्ट तो बढ़िया होना चाहिए। मर्च ले गई। बाप रे इतने तीखे हैं ये। हाँ भाई। दादी बेटा। अब बता कैसा लगा ये बर्थडे अलग तरीके का? आज का बर्थडे तो अच्छा था। 300, 400, 500 का केक लाने से अच्छा तो यही है। आपने बढ़िया किया, पकोड़े बना दिए। इसके बाद छाछ पीनी है। रुद्रांश ने मिर्च का पकोड़ा गलती से खा लिया, अब क्या होगा? क्या हुआ? क्यों खाया फिर? अरे यार टॉफी खा लो। हाँ मिठा है। आजा, बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत प्यारा बच्चा है। थैंक यू। सारा खा लो तब मिर्ची लगेगी। अब कैसा लग रहा है? अच्छा मेरा बाबू। रुद्रांश ने सहा है तो भैया उसका डैड क्यों नहीं सह सकता? मुझे सच में मिर्च बहुत पसंद नहीं है। राशि मेरे लिए शायद बिल्कुल सामने रख रही है। पापा को भी खिलाओ मिर्च। हवा दे बहुत तीखी है। 3 साल के बच्चे ने, अरे बाप रे, शहद। पापा को शहद खिलाओ। बहुत तीखी मिर्च है और सीधा धुआं यहां से निकल रहा है। तुम खा सकते हो? सर इधर आओ, सौरे को भी दूंगा। नहीं, एक नहीं, दो। शहद भी नहीं मिलेगा। जल्दी जल्दी खाओ प्लीज, दोनों खाओ। निगलना मत, चबाते रहना। एक और ना भाई, बस आ तो कंपटीशन करेगा ताकि वो भी लिया। हाँ तो मिर्च खा रहे तो मिर्च खा रहे हैं। एक और खाओ, खाओ। क्या हुआ? इधर शहद। अब बोल, अब बच्चे ने खाया था ये, 3 साल के बच्चे ने। अब बता उस पे क्या बीती होगी? नहीं बता उस पे क्या बीती होगी? अब बता 3 साल के बच्चे पे क्या बीती होगी पहले बता। मिर्ची। कितनी मिर्ची? हीरो बन रहा था। मेरे को 4 मिर्ची पे नहीं लगी। अच्छा बहुत मिर्ची लग रखी है। हाँ तो पापा दादा और जितने भी पापा के दोस्त आए थे, तो मैं बताना चाहूंगा वो लोग भी पकौड़े खा रहे हैं और वो लोग थोड़ा सा घुट्टी छुट्टी ले रहे हैं। आप समझ गए होंगे, पापा के दोस्त घुट्टी छुट्टी ले रहे हैं। अब मैं उसका वीडियो बना नहीं सकता। अगर आपको उसका वीडियो देखना है 8 PM, समझ गए ना, तो बता देना कमेंट में। तो आइए सबसे मिलते हैं और आपको विदा करते हैं। तो दोस्तों ये था रुद्रांश का बर्थडे। अब तो काफी ज्यादा रात हो चुकी है, मतलब अभी 8 भी नहीं बजे हैं। 8 भी नहीं बजे, लेकिन उत्तराखंड में बहुत अंधेरा हो जाता है। यस, सो जितना टॉर्च की ये फोन के लाइट से हो पा रही है, मैं आपको दिखा रहा हूँ सबके सब। तो पापा कैसा लगा आपको आज का दिन? बहुत बढ़िया लगा। अच्छा, बढ़िया बिल्कुल। और रुद्रांश आपको कैसा लगा? यहाँ के रीति रिवाज के अनुसार मनाया हमने। अच्छा दादी आप बताओ? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, कुछ बोलना चाहोगे जो हमको देख रहे हैं? बहुत ही प्यारे प्यारे लोग जो देख रहे हैं हमको, जो देखेंगे उनके लिए आशीर्वाद विचारों के लिए। और मम्मी कैसा रहा आज का दिन? बहुत अच्छा। और मनु? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। और राशि? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। अगर आप लोग नए हो, पहली बार इस चैनल पे आए हो हमारे चैनल पे, तो हमसे जुड़ने के लिए आपको बस कुछ नहीं करना, एक नीचे सब्सक्राइब का एक बटन होगा लाल कलर का, बस आप उसको दबा दीजिए खचक करके। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नए ब्लॉग के साथ। बाय गाइज़।